और माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बाढ़ की स्थिति बननी शुरू हुई तब से सक्रिय हैं, खुद जा रहे हैं, हर जगह गए हैं, जाकर उन्होंने सर्वे किया है, देखा है और हमेशा अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। राहत की जो व्यवस्था हो सकती है अधिक से अधिक स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिंचाई मंत्री जी लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, वो हर तरह से सरकार कर रही है। किसान अब इन तमाम चीजों की समीक्षा जो जिलावार हमारा अनुभव है या अभी आगे आने वाले जिलों में हम अनुभव लेंगे, इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करके जैसा कि हमने कहा कि पार्टी को नंबर वन बनाने में हमारा अनुभव काम आएगा, उस दृष्टि से बदलाव की ज़रूरत कहीं कहीं अगर होगा तो उसको भी किया जाएगा। साथ ही साथ और बेहतर बिहार कैसे बने, समाज के सभी वर्ग के लिए हमारी पार्टी काम करती है, उन सब के लिए, गरीबों के लिए और बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर विमर्श होगा। इसमें कहाँ कोई इनकार है, तो कैसे इनकार कर सकते हैं कि नहीं भाई? तो क्या शामिल है कुछ अपनी तरफ से, पर इसमें कुछ सवाल तो और लोगों के लिए भी रखिए ना, सब सवाल हमें से पूछिए। जातिगत जनगणना के अलावा कुछ उसमें टकराव की स्थिति बनेगी क्या, किससे टकराव? एनडीए में बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी इसके खिलाफ है? बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है, बीजेपी खिलाफ होती तो प्रस्ताव विधानमंडल बिहार से पारित हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी क्या सभी पार्टी ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव, अभी जो डेलीगेशन गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर थे। पार्लियामेंट में जब जब किसी विषय पर बहस हुई तब तब भारतीय जनता पार्टी के भी माननीय सदस्य जो उस बहस में हिस्सा ले रहे होते हैं उन्होंने भी इसके पक्ष में कहा।